जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निखिल मंडल ने इस्तीफा का लेटर जारी किया है। बता दें कि निखिल मंडल साल 2016 से ही पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को और अपने पार्टी लाइन को मीडिया के बीच रखा है। अपने पद से इस्तीफा के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि निखिल मंडल ने विधानसभा का पिछला चुनाव जेडीयू के टिकट पर मधेपुरा से लड़ा था, लेकिन उन्होंने आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब इस्तीफा देने के बाद निखिल मंडल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 6-7 साल महीने में और साथ ही 12 दिन में मुझमें तमाम मीडिया के साथीगण और से अपार प्यार और सम्मान मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के आरजेडी के साथ जाने के बाद निखिल मंडल ने असहज महसूस कर रहे थे, जिस पर लालू परिवार के ऊपर वह हमलावर भी रहे हैं। उस लालू परिवार पर डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता पद से दूरी बनाने का फैसला किया है। अब देखा यह है कि बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और सियासी सरगर्मियों को लेकर एक के बाद एक विधायक और मंत्री इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे में इसी बीच जो नीतीश कुमार सरकार है वो भी अब बेतुके बयान देती हुई नजर